सैमसंग की तरफ से लॉन्च हो गया है सैमसंग गैलेक्सी M02S। ये स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि बहुत ही सस्ते में देखने को मिलेगा, जो कि अफोर्डेबल प्राइस बोलते हैं इंडियन की, अराउंड 10,000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, जो कि उसका 4GB+ 64GB वेरियंट है, एंड उसका जो 3GB+ 32GB की वेरियंट है, इसका प्राइस आपको अराउंड 8,000 समथिंग देखने को मिलेगा इंडिया में। लेकिन दोस्तों, इस फोन में जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M02S स्मार्टफोन के बारे में, और देखेंगे कि इस फोन में आपको क्या क्या चीज़ अच्छा देखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ अच्छा देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूँगा कि यह स्मार्टफोन अच्छा है या नहीं है। दोस्तों चले आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों चले शुरू करते हैं और बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M02S स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M02S सैमसंग गैलेक्सी M01 की सक्सेसर आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M01 में जो भी फीचर था उसको थोड़ा सा एडवांस करके सैमसंग गैलेक्सी M02S इंडिया में लॉन्च किया गया है, उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस में। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, चले बात कर लेते हैं पहले उसकी डिज़ाइन की। दोस्तों यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M02S में देखने को मिल जाता है पॉलीकार्बोनेट की बॉडी, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, विद उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाता है, एंड फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच या फिर आपको इन्फिनिटी वी ड्रॉप नॉच भी बोल सकते हो, जो कि सैमसंग बोलता है उसको इन्फिनिटी वी ड्रॉप नॉच। अब बात करते हैं दोस्तों उस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, शुरुआत करते हैं इस फोन की डिस्प्ले से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.5 इंच के एक HD+ डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी M02S स्मार्टफोन में, जहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी AMOLED ना ही यहाँ पर IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यानी कि लो बजट के डिस्प्ले आप बोल सकते हो इसको, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M02S स्मार्टफोन में। दोस्तों इसका प्राइस बहुत ही कम है, मैं मानता हूँ कि इसका प्राइस आपको अराउंड 10,000 के अंडर इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी तो थोड़ा अच्छा देना चाहिए। अब AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दोस्तों यहाँ पर आप IPS दे सकते थे, इस पैनल भी बहुत ही अच्छा होता है डिस्प्ले के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्होंने IPS भी नहीं दिया, उससे सस्ता वाला दिया TFT डिस्प्ले। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा मुझे सैमसंग गैलेक्सी M02S में। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वी नॉच देखने को मिल जाता है, एंड 20:9 की एस्पेक्ट रेशियो भी देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों ये हो गया डिस्प्ले की बात, अब बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन की रैम और रोम वेरिएंट की। दोस्तों इस फोन में आपको दो वेरिएंट की रैम और रोम देखने को मिल जाता है, जो कि 3GB+ 32GB एंड 4GB+ 64GB की वेरिएंट देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 1TB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप मेमोरी डालकर यूज कर सकते हैं। सर दोस्तों इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस फोन की कुछ कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों इस फोन में आपको 4G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, एंड इस फोन में आपको USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, ना ही बैक साइड में, ना ही फ्रंट साइड में, ना ही साइड माउंटेड यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M02S में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पर आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों सिस्टम आपको सैमसंग गैलेक्सी M02S में देखने को नहीं मिलता है। आप सोच सकते हो कि 10,000 की प्राइस में जितने भी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होते हैं उन सभी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको ना ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, ना ही फेस अनलॉक सिस्टम दिया गया। पुराने जमाने की तरह यहाँ पर आपको पैटर्न यूज करना पड़ेगा, ये भी एक माइनस पॉइंट देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में। अब बढ़ते आगे और बात करें इस फोन की कैमरे के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस फोन की कैमरे के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रियर साइड में देखने को मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है 13 MP का मेन कैमरा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 MP का डेप्थ एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 कैमरे की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने दिया है 3 कैमरा। 13 MP के कैमरा ओवरऑल देखे तो कुछ ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग की कैमरा है तो यहाँ पर सेंसर बहुत ही अच्छा यूज़ किया होगा सैमसंग ने, तो फोटोग्राफी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M02S में। और बात करें इस फोन की फ्रंट कैमरे की, दोस्तों सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 5 MP का सेल्फी कैमरा। क्या यार 10,000 रुपये के स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो यार, 8 MP के दे देते हैं या फिर और थोड़ा इंप्रूव करके और थोड़ा मेगापिक्सल बढ़ा देते हैं, 5 MP का कैमरा क्या है यार, 10,000 की प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाए जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको सारी चीज़ बहुत ही कम कम देखने को मिल जाता है। फिर भी दोस्तों मुझे
यहाँ पर डिसअपॉइंट लगा क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है आज की डेट में, यानी कि 2021 में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है अराउंड 10,000 के प्राइस रेंज के स्मार्टफोन में। और बढ़ते आगे और बात करें इस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के बारे में, स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वन यूआई बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लीन एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कोई भी आपको आर वगैरह देखने को नहीं मिलता है स्मार्टफोन में, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि ये प्रोसेसर भी आपको यहाँ पर लो बजट के प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों आप सोच सकते हो मतलब 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है आज की डेट में 2021 में 14 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी कि ना इस प्रोसेसर के साथ आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं, प्रोसेसर के साथ आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। गेमिंग वगैरह कर सकते हैं लेकिन इतनी अच्छे से नहीं कर सकते, ज़्यादातर गेम खेलेंगे तो यहाँ पर आपको हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है, साथ ही यहाँ पर आपको फोन लैग वगैरह भी कर सकता है। तो इस प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इस प्रोसेसर के साथ यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कम देखने को मिलेगा, स्मार्टफोन बिल्कुल भी हाई गेमिंग के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आप कर सकते हो, ये बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों बात करें इस फोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी M02S की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 5000 mAh की बड़ा बैटरी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ा बैटरी चाहिए एंड बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस फोन की फास्ट चार्जिंग की, तो दोस्तों ये डिवाइस सपोर्ट करता है 15W की फास्ट चार्जिंग, लेकिन यहाँ पर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है ओनली 7.5W की फास्ट चार्जिंग। दोस्तों इसको लेकर आप करोगे क्या, ये बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, यानी कि फोन सपोर्ट करता है 15W की लेकिन बॉक्स में मिलता है 7.5W की, तो यहाँ पर आपको चार्जर में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको 15W की चार्ज देना पड़ेगा स्मार्टफोन को। दोस्तों ये भी एक माइनस पॉइंट है स्मार्टफोन में, वाईफाई L1 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अराउंड 10,000 के स्मार्टफोन में लोग नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नेटफ्लिक्स देखे। दोस्तों यहाँ पर आपको वाईफाई L1 देने की कोई भी फायदा नहीं है स्मार्टफोन में, बाकी सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको गायरोस्कोपी सेंसर देखने को नहीं मिलता है, जो कि ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी है। ओवरऑल अगर देखें स्मार्टफोन में आपको बड़ा डिस्प्ले बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको नॉर्मल सा डे टू डे लाइफ यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है, गेमिंग वगैरह के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नॉर्मली वीडियो वगैरह देखते हैं नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं बात करने के लिए एंड बहुत ही अच्छा बैटरी एफिशिएंसी चाहिए तो स्मार्टफोन का आप ले सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं लाइक गेमिंग वगैरह करना एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ आप करेंगे फास्ट 2-3 महीने बहुत ही अच्छे से चल जाएगा लेकिन बाद में आपको बहुत ही परेशानी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरे ओपिनियन सैमसंग गैलेक्सी M02S के बारे में, आप दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, क्या स्मार्टफोन को लेने चाहेंगे आप या नहीं लेना चाहेंगे। मैं तो बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा अराउंड 10,000 के रुपीज़ में इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ चैनल को शेयर करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके बोले आज की वीडियो आपको कैसा लगा।